ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलाकर भारत का दुनिया भर में परचम फहराने वाली महिला पहलवान साक्षी मलिक ने आखिरकार मोदी की तानाशाही के सामने सरेंडर कर दिया है, खेल को अलविदा कह दिया। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया। इतना सब होने के बाद भी पीएम मोदी का दिल नहीं पसीजा। जब खिलाड़ी मेडल्स लेकर आए तो साहिब क्रेडिट लेने के लिए लपक कर पहुंच गए थे, लेकिन आज मोदी ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया है। उनको ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। साक्षी ने दुनिया के सामने अपने जूते उतार दिए। बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा दिया। इतना सब होने के बाद भी पीएम मोदी ना तो इन खिलाड़ियों से मिलने गए ना ही इनको मदद का आश्वासन दिया। वो सिर्फ बृजभूषण को बचाने में लगे हैं। शायद यही अमृतकाल है। यहाँ ना खिलाड़ियों की बात सुनी जाती है, ना युवाओं की, ना किसानों की बात मानी जाती है, ना जवानों की। यही तो तानाशाही है, मोदी शाह की तानाशाही। संसद में जब विपक्ष सवाल पूछता है तो उन्हें संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस देश को मिमिक्री के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। कुछ लोग मिमिक्री से आहत हो रहे हैं, लेकिन यही आक्रोशित आहत मंडली ना साक्षी मलिक के संन्यास पर आहत होती है, ना बजरंग पुनिया के पद्मश्री लौटाने पर, ना 750 किसानों की शहादत पर, ना मंत्री पुत्र द्वारा किसानों के नरसंहार पर, ना मणिपुर की नग्न औरतों पर, ना ही वहां के 87 लोगों के सामूहिक दफन पर जिसमें एक माह का बच्चा भी शामिल था। लेकिन अगर अभी भी हमने इस तानाशाह सरकार को सत्ता से नहीं उतारा तो हमारे साथ भी ठीक वही होगा जो आज इस देश के हर बेरोजगार युवा किसान और जवान के साथ हो रहा है।